हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई सॉकेट के बारे में, समझेंगे ये क्या होता है, साथ ही साथ बात करेंगे इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं ड्राई सॉकेट के बारे में, जनरली ये क्या होता है समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्वियुलर ऑस्टाइटिस। ये एक कॉम्प्लिकेशन है एक्सटेक्शन के बाद, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद देखने को मिलता है। इसका जो नाम है ड्राई सॉकेट, ये अपीयरेंस पर रखा गया है, जो एक्सटेक्टेड सॉकेट है उसके अपीयरेंस पर, जैसा ये दिखता है ड्राई वो दिखता है, तो उसके अपीयरेंस पर नाम रखा गया है ड्राई सॉकेट। इसमें जो पेन होता है पेशेंट को, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है और थ्रोबिंग पेन इसमें होता है। जो पेन होता है जनरली इसमें इन्फेक्शन के साइंस नहीं होते हैं, जो फीवर है, एरिदमा है, स्वेलिंग है इसमें नहीं दिखता है, पेन पेशेंट को फील होता है मॉडरेट टू सीवियर, और सीवियर पेन ही जनरली इसमें होता है। और ड्राई सॉकेट अपीयर होता है 3 से 4 दिन एक्सटेक्शन के सर्जरी के, 3 से 4 दिन के बाद ये देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अब एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो जब आप इसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे पेशेंट के मुंह में एक्सटेक्टेड सॉकेट को, तो वहाँ पर आपको या तो पार्शियली या कम्प्लीट डिसलॉजमेंट दिखेगा ब्लड क्लॉट का। ब्लड क्लॉट उसमें या तो बिल्कुल भी नहीं होगा या पार्शियली थोड़ा बहुत उसमें होगा, और बोन आपको वहाँ पर दिखती है, एक्सपोज बोन आपको वहाँ पे दिखती है सॉकेट में। वो जो ड्राई सॉकेट है जनरली जो नॉर्मल एक्सटेक्शन है उसके 2% केसेस में देखने को मिलता है। ये परसेंटेज बढ़ जाता है थर्ड मोलार्स में, डिसइंफेक्शन में। जनरली जो लोअर थर्ड मोलार इन्फेक्शन होता है उसमें ये 20% तक देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिवेंशन की, कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये ना हो या इसके चांसेस बहुत कम हो जाए। तो पॉइंट्स में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, एट्रोमेटिक सर्जरीज। जो भी एक्सटेक्शंस आप कर रहे हैं, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो एट्रोमेटिक हो। अगर थर्ड मोलार आप कर रहे हैं तो जो भी इंसीजन है, टिश्यू रिफ्लेक्शन है, वो क्लीन हो, क्लीन इंसीजन हो, क्लीन टिश्यू रिफ्लेक्शन हो। और एक्सटेक्शन आप जनरली कर रहे हैं तो जितना कम से कम ट्रॉमा हो उतना अच्छा है, एट्रोमेटिक हो उतना अच्छा है। सेकेंड पॉइंट, इरीगेशन। जब आप प्रोसीजर कर लें उसके बाद सॉकेट को अच्छे से इरीगेट कर दीजिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइन से आप उसको इरीगेट कर दीजिए, अच्छे से उसको साफ कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है एंटीबायोटिक। आप उसमें एंटीबायोटिक प्लेस कर सकते हैं। आपने सॉकेट को क्लीन कर दिया, इरिगेट कर दिया, सर्जिकल साइट को क्लीन कर दिया, उसके बाद आप स्मॉल अमाउंट में एंटीबायोटिक उसमें प्लेस कर सकते हैं, या तो ऐसे ही डायरेक्टली या फिर जिलेटिन स्पॉन्ज के साथ आप उसमें प्लेस कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन वगैरह आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव माउथ रिंस। प्रोसीजर्स के पहले आप अच्छे से क्लोरहेक्सिडिन से माउथ रिंस करा सकते हैं, इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिवली जब आपने प्रोसीजर कर दिया तो फिर आप पेशेंट को बोल सकते हैं 24 आवर्स के बाद आप क्लोरहेक्सिडिन से क्लीन कर सकते हैं, या फिर वार्म सलाइन गागल भी आप कर सकते हैं, इससे भी हीलिंग अच्छी होती है। फिफ्थ पॉइंट, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को प्रोसीजर होने के बाद, एक्सट्रैक्शन होने के बाद बहुत अच्छे से समझा दे, जो जो उनको सावधानियां रखनी है उनको बता दे, उनको खाने में क्या लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, डू और डोंट्स उनको सभी आप अच्छे से समझा दे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बात कर ली हमने प्रिवेंशन की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर ड्राई सॉकेट हो जाए तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को आपको सॉकेट को इरिगेट करना है, अच्छे से जेंटल इरिगेशन आपको उसको करना है। कुछ फूड डेब्रिज अगर है वहाँ इम्पेक्टेड है तो उसको अच्छे से आप क्लीन कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट, अब उस पर हम मेडिकेशन देंगे, मेडिकेटेड उनको करेंगे। तो मेडिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिनॉल। यूजिनॉल पेन रिलीव करता है। इसके बाद यूज़ करेंगे हम लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन से वो एनेस्थाइज होता है तो पेशेंट को रिलीव होता है, और साथ में इसके एक व्हीकल का यूज़ करेंगे जिससे हम इसको प्लेस कर पाए। तो उसके लिए आप जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल यूज़ कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट को आप अच्छे से मिक्स करिए, उसको आप गौज या कॉटन में ले सकते हैं, एनेस्थेटिक सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं, और इसको आपको प्लेस कर देना है सॉकेट में। या फिर पहले से बने हुए सॉल्यूशंस भी आते हैं एल्वोजिल या फिर ड्राई सॉकेट पेस्ट के नाम से, उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इस ड्रेसिंग को आपको हर दिन या फिर एक दिन छोड़कर चेंज करते रहना है और पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करते रहना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक और पेन किलर्स का कोर्स भी आप पेशेंट को चला सकते हैं। जनरली 7 से 10 दिन में ड्राई सॉकेट हील हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ड्राई सॉकेट के ऊपर और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे,
जिसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट और ड्राई सॉकेट पेस्ट इन सब चीज़ों की बातें करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि किन टॉपिक्स पर, किन ट्रीटमेंट्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।